अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल देती है। एक कामयाब इंसान इन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उसे मारे होते हैं। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, समझ लें आपका ख़ानदान बर्बाद हो चुका है। साफ नीयत से मांगा जाए तो रब नसीब से भर कर देता है। गुनाह में लज्जत ज़रूर है मगर सुकून नहीं। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। ज़ोर ज़बरदस्ती से चलता नहीं कोई ताल्लुक़ किसी से। परिंदे को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को बहुत पसंद है। गुनाह से हर वक्त बचो मगर तन्हाई में गुनाह से ख़ास तौर पर बचो, क्योंकि उस गुनाह का गवाह खुद अल्लाह पाक होगा। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब करीम है। कुछ लोग इस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम लोगों में मौजिज बना रखा है। या अल्लाह हमारे लिए खैर के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए सआदत के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए हदायत के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे। आमीन। रास्ते किसी के दोस्त नहीं, मंजिल के लिए सभी को भटकना पड़ता है। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। जिनसे ये तौफीक छीन जाती है फिर ना वो दुनिया के रहते हैं ना ही दीन के। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है। दिखावा कितना ही अच्छा हो, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। इंसान की अकड़ कर एक टेले पर नहीं चढ़ सकता लेकिन झुक कर को हमारिया पर पहुँच सकता है। झुकना सीखें, बुलंदियाँ नसीब हों। अपनी ज़बान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं, ज़बान दूसरे लोगों की भी है। इंसान की तमाम परेशानियाँ दो बातों की वजह से, तकदीर से ज़्यादा चाहता है, वक्त से पहले चाहता है।